बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं फील करिएगा, एक एक बात बताएंगे बच्चों, बस रेगुलर क्लास आप देखना है इसको, आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही हम अपेक्षा करते हैं अपने स्टूडेंट से कि उन्हें कोई, अब वो मेहनत बस करे, उन्हें कोई प्रॉब्लम हम आने नहीं देंगे। ओके, तो बच्चों देखा जाए, आज के क्वेश्चंस को शुरू किया जाए। मैंने ये एप्लीकेशंस के बारे में भी बता दिया, और आप वेक्टर एनालिसिस, जैसा कि मैंने बताया, सदिश विश्लेषण, उसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलो बच्चों, तो इसमें फटाफट। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, पूनम गुड इवनिंग, एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी हमारे बच्चे क्लास में हैं सबके सबको गुड इवनिंग। ओके, और इस इवनिंग को और से और गुड बनाया जाए अच्छी तरह से क्वेश्चंस करके। ओके, तो देखा जाए क्वेश्चंस को। ओके बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ये हमारी सेंचुरियंस की एक्टिविटी। ओके, हमेशा आप लोगों के लिए सदैव तत्पर, आपके सहयोग के लिए। ओके बेटा, प्रत्याशकर सिंह गुड इवनिंग बेटा। और हम लोग क्वेश्चन ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड देखेंगे। ओके, यहाँ स्क्रीन पे देखो बेटा आज का पहला क्वेश्चन। एक बात और बच्चों, फिर समझ में ना आए तो हमें जरूर बताओ बच्चों। ओके, हम उसका निवारण करेंगे। तो उससे पहले हम कह रहे थे कि वेक्टर एनालिसिस करने से पहले स्टूडेंट्स को डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये जरूर आना चाहिए। तो जो भी बच्चे थोड़ा सा, अगर इनका मल्टीप्लाई प्लस जो जे के कोफिशियंट है उनका मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगा दिया ए टू बी टू और ए थ्री बी थ्री, तो उम्मीद करते हैं अब डॉट प्रोडक्ट हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात हम लोग करेंगे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, उसको भी हम अपने स्टूडेंट्स को बता दें। ठीक है, थोड़ा सा हिंट में फिर हम क्वेश्चंस को आज देखें, तब क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। सपोज करो बच्चों, वेक्टर ए, अभी जो मैंने लिखा था A1i, थोड़ा सा याद दिला रहे हैं, हो सकता है हमारे बच्चों को आता हो, फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने स्टूडेंट्स को याद दिला दें। और ये दो वेक्टर हैं कौन से, B1i प्लस B2j प्लस B3 के। ठीक है बच्चों, और इसका हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ध्यान रखना बच्चों, इसको डिटरमिनेंट से निकाला जाता है, आई जे और के लिख दिया जाता है, और इनके कोफिशियंट लिख दो A1 A2 A3, और यहाँ बच्चों B1 B2 B3, और डिटरमिनेंट जैसे ही सॉल्व करोगे दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी सब कंसेप्ट बच्चों हम जो है वो जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हम बताते रहेंगे, और बच्चे उस फार्मूलों को जो भी बताएं वो जरूर करें, याद याद रख लें, याद रखें उसको, बस ये कहेंगे वो याद कर लें बस हमेशा के लिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और लास्ट ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस ही इसमें बता रहे हैं। ठीक है ना, बस आप उसको देखते जाओ, बिल्कुल आसान लगेंगे, शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, कहीं कोई दिक्कत, और अगर कोई किसी क्वेश्चन में बैठा हूँ प्रॉब्लम आए तो हमें जरूर बताओ, जरूर बताओ। ये हम चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी बच्चे को तनिक भी प्रॉब्लम ना आए, तनिक भी उनके मन में ना आए कि हमें समझ में ना आए। और बच्चों जो लोग वीडियो देखते हो, लाइव नहीं रहते हो, मैं बच्चों से यही सलाह देता हूँ बच्चों, लाइव रहने के बहुत बेनिफिट है। जैसे मैंने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम तुरंत हमें बताइए, हम एक एक बच्चे का कमेंट लेंगे, उसके निवारण करेंगे, उसका जो भी प्रॉब्लम होगी उसे दूर करेंगे। ठीक है, तो हमें जरूर बताइए। ठीक है, और लाइक और शेयर जरूर करिए बच्चों, फायर होता है। ठीक है, तो जल्दी से बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के हमें जवाब भेजो, जल्दी से जवाब दो बच्चों, बच्चों फटाफट जवाब। अभिषेक बेटा, सब लोग जो लोग क्लास में हैं फटाफट इसको ट्राई करें, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना अभी सिखा चुके हैं। ठीक है, चलो बच्चों देखो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, बताया था ना आई जे के 3 by -2, और नेक्स्ट है -3j, मीन्स यहाँ 0 है, -3 और 4। जल्दी से इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो बच्चों, बहुत जल्दी बताओ।
ओके बच्चा जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। हाँ बच्चों बताइए। चलिए देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकल आया होगा, आप देखो I into यहां से देखो 4 माइनस 6 और माइनस j into आप देख रहे हो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 माइनस 0 और यहां से जब करोगे आप k into यहां से मल्टीप्लाई माइनस 9 माइनस 0, देखो बच्चों क्या आया और जवाब अपना पिक करो। फटाफट देखा जाए हम लोगों का आ गया माइनस टू आई, क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों, माइनस टू आई माइनस 12 जे और माइनस 9 के, इसका ये किसका वैल्यू है बच्चों, ए क्रॉस बी की, राइट, उनकी साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट है डी वन डी टू का क्रॉस प्रोडक्ट है माइनस के साथ है। अब इसका मॉड निकाल लो फटाफट बच्चों, इसका मॉड निकालना है हम लोगों को, मॉड ए वैन क्रॉस डी वैन क्रॉस डी टू, जल्दी से देखो इसका मॉड कितना हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस 144 प्लस 81 कितना आएगा, ऐड कर लो आप लोग 8 4 12 4 60 और 4 यहां हो जाएगा 5 और 150, 8 4 12 4 60 और यहां से हम लोगों का आ गया 156, इसी का अंडर रूट, जल्दी से फैक्टराइज करके निकालो बच्चों, इसका रूट निकालना है और अपने ऑप्शन को देखना है और इसका हाफ पे करना है। ओके आया ऑप्शन बच्चों, फटाफट बताओ। कौन सा बच्चे, यहां देखो 3j, अच्छा आई है बच्चों, यस यहां पे आई है, ठीक है चलो कैलकुलेशन कर लो फटाफट बच्चों, यहां पे ये इसके क्लोज है ना ये, ठीक है ओके बच्चे, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा i j k 3 1 माइनस 2 1 है माइनस 3 और 4, ओके चलो ठीक है, कितना है बच्चे फटाफट जवाब दो, कैलकुलेशन करना है, ये d1 क्रॉस d2 है, ठीक है बच्चों d1 क्रॉस d2 कितना आया, एरिया निकालने के लिए ये होता है, कैलकुलेशन करिए जल्दी से, हाफ मॉड d1 क्रॉस d2 तुरंत आएगा। इसी तरह से एक आध क्वेश्चन जरूर पेपर में रहते हैं जो समय लेते हैं थोड़ा बहुत, इसका कोई नहीं है, देखो i into 4 minus 6 minus j into 12 plus 2, यस बच्चे, और प्लस k into, कैलकुलेशन करके जल्दी मॉड निकाल के जवाब दो बच्चों, यहां से हो जाएगा माइनस 9 और माइनस 1, ओके d1 क्रॉस d2 आ गया माइनस 2i माइनस 14 जे और माइनस 10 के, ओके बच्चे अब इसका जल्दी से मॉड निकाल लो, इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 14 है 196 प्लस 100, ओके चलो किसी ने जवाब दिया, विच इज द राइट आंसर बेटा, हिमांशु सी इज द राइट ऑप्शन, ओके देखिए यहां से हाफ भी होगा 64 इंटू 5, आप यहां से चेक कर सकते हो 5 4 जा और 5 6 जा 30 और 2 32 320, देखो वहां से 320 आ रहा हो, यस या 300 आ रहा बच्चे, देखो जल्दी से यहां से देखो बच्चों 196 4 200 300 आ रहा बच्चे, अंडर रूट 300 इसको क्या लिख सकते हैं, 10 रूट 3 और इसका हाफ करेंगे तो यहां से हाफ हो गया 5 रूट 3 इज द राइट आंसर, 5 रूट 3 होगा बच्चे सी, यस वेल डन, चलो
यस बच्चे ने जवाब दिया, अनपर कुमार ने, हिमांशु ने, वेल डन बच्चों। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर टू। ओके यस बच्चों क्वेश्चन नंबर टू देखा जाए। ठीक है देखो क्या क्या दिया, ये बड़ा आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना बच्चे, कोई जवाब दोगे बिल्कुल 10 सेकंड में हमारे बच्चे जवाब दे सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी और द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ऑर्थो सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी किसी ट्रायंगल की वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स हैं, राइट, और कह रहे हैं कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी एंड वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। एक इसमें हिंट बता रहे हैं, फिर हमारे बच्चे बताएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड इन सेंटर सर्कम सेंटर ओके इवन देख रहे इसमें क्या पूछा है, ध्यान दो, ऑर्थो सेंटर सब सेम होते हैं, जो ऑर्थो सेंटर होगा वही इन सेंटर होगा वही सर्कम सेंटर होगा और वही सेंट्रॉयड होगा, सेम होते हैं, और ये सभी के सभी कहां होंगे बच्चों, ओरिजिन पे होंगे, तो इसका मतलब ऑर्थो सेंटर भी ओरिजिन पे होगा। अब जवाब दो बच्चों, हिंट दे दिया है, फटाफट जवाब दो, यस बच्चों जवाब दो, मानसु बेटा जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। यस बच्चों आई एम वेटिंग, यस तरुण तिवारी ए बताए, हिमांशु ए बताए, ठीक है ओके वेल डन बच्चों, ए सही है, क्यों सही है जरा हम बता दें। अभी मैंने कहा, मैं बच्चे देख लें जो भी जवाब दिए हैं, मैं अभी आंसर ले रहा हूं, लेकिन जो बच्चों ने जवाब दिया, देखो बेटा सेंट्रॉयड भी ओरिजिन होगा और सेंट्रॉयड निकालने के लिए ये होता है 1/3 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और ये होगा कहां पे, ओरिजिन पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर इन सेंटर सर्कम सेंटर सभी क्या होते हैं, सेंट्रॉयड, सब सेम होते हैं और सबके सब ओरिजिन पे होंगे, इसलिए ए इज द राइट आंसर। ओके ए इज द राइट आंसर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन पढ़ दें फिर बच्चे जवाब दें, फिर हम जो बच्चों ने जवाब दिया था उसका हम जवाब लेंगे। देखो बेटा क्या लिखा है, व्हाट इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ ऑर्थोगोनल टू बोथ द वेक्टर्स i प्लस j प्लस k एंड 2i प्लस 3j माइनस k, इन दोनों वेक्टरों के ऑर्थोगोनल वेक्टर बताना है, दोनों वेक्टरों के ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर बनाना बताना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। फटाफट बताओ बच्चों, फटाफट बताइए बच्चों, जल्दी से बताओ आप लोग, सब लोग शेयर भी करते रहो लाइक भी करो बच्चों। अनुपम ओके फटाफट जवाब दो बच्चे, अनुपम सब लोग ट्राई करो, तरुण हिमांशु फटाफट जवाब दो बच्चों, अनुपम अभिषेक प्रियांशु, अब ठीक है बेटा आप करो, आप प्रत्याकाश आप लोग भी करो बेटा, प्रत्याकाश जल्दी बताओ, सब लोग ट्राई करो, देखो बेटा होगा मॉक टेस्ट, ठीक है थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम थी इस वजह से, जैसे ही होगा मॉक टेस्ट का शेड्यूल रखा जाएगा होगा, ठीक है आपको जानकारी दे दी जाएगी। मॉक टेस्ट में बेटा ज्यादा थोड़ा सा बच्चे भी आप लोग देखो, थोड़ा सा बच्चे जुड़ो, मॉक टेस्ट निश्चित होगा, ठीक है अभी इस चैनल पे नए चैनल पे आप लोग थोड़ा सा बच्चे जुड़ जाएं, फिर हम मॉक टेस्ट लेंगे बेटा, सर्टेनली लेंगे, ठीक है। जय हिंद बेटा, सब ठीक, आप बस ठीक रहे, आप लोग ध्यान रखें अपना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इसमें जो पीरियड ओवर हो जाए तो हम लोग सब इस चीज को एंजॉय करें, ठीक है।
लेकिन आप सभी लोग ध्यान रखो बच्चों, अपना भी, अपने स्वास्थ्य का और पढ़ाई का भी, सब ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, देखो आप बता दें इसमें हिंट, हमसे पूछा है, फिर हम जवाब ले रहे हैं, हमसे पूछा है कि दो वेक्टर गिवेन है, उनके दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होते हैं। तो आप लोगों को बता दें बेटा, अगर हम दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो एक नया वेक्टर आता है, और जो नया वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर का जो हम वेक्टर निकालेंगे वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और इन्होंने क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर, यूनिट लेंथ का। इसका मतलब इसका हम लोग जो सी होगा ना, उसका क्या निकाल लेंगे, वेक्टर सी को किससे डिवाइड कर देंगे, मॉड वेक्टर सी। क्योंकि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर में बदलना आप लोग जानते हो, किसी वेक्टर को अगर हम उसके मॉड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो चलो बच्चों समझ गए ना, दोनों वेक्टरों का फटाफट आप लोग क्या करो, आप सामने बताया बी अनुपम, यस बेटा आप लोग जवाब दो, ठीक है ना, फटाफट जवाब दीजिए। हाँ बच्चों फटाफट जवाब दो आप लोग, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है फिर उसका मॉड से डिवाइड करो, पीयूष बेटा, अनुपम ने बी बताया, मयंक बेटा आप तैयारी करो, ठीक है ना, हम लोग आप लोगों के टेस्ट करेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे थोड़ा सा बदले हुए रूप में, ओके, जरा फटाफट देखो बेटा इसका क्रॉस प्रोडक्ट कौन निकाल लिया, जल्दी जवाब दो बेटो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए, क्या दिया है बच्चों देखो, आई, आप लोग ऐसे लिख के कर लिया करो, हम लिख रहे हैं ना, आप लोग जल्दी निकाल सकते हो, हमें समझाना होता है आप लोगों का, वन 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 टू थ्री और माइनस वन, इसका आप लोग जल्दी हमसे निकाल सकते हो, इतना लिखा करो बस, और फटाफट मल्टीप्लाई कर लिया करो और मॉड भी निकाल लिया करो। आप लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक बता सकते हो, ठीक है ना, हम भी बता सकते हैं, बट हमारे बच्चे कुछ थोड़े से जो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा वेक्टर से डरते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी पूरी बता दें। आप लोग इसका शॉर्टकट या आईजे के लिखने की जरूरत नहीं, इतना कैलकुलेशन कर लीजिए। देखो बेटा आई कितना आ जाएगा, माइनस वन माइनस थ्री माइनस, ये हम पूरा डिटरमिनेंट ओपन कर देते हैं, राइट, माइनस वन माइनस टू और प्लस के, थोड़ा सा हमारे बच्चे कभी कभी डिटरमिनेंट में भी गलती करते हैं, वो भी निडर हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कैलकुलेशन करें। देखो बच्चों यहां से कितना हो जाएगा, थ्री और माइनस टू, तो आया कितना, माइनस फोर आई, और यहां से प्लस थ्री जे, यहां से बच्चों प्लस के, राइट, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकल आया, इसी का यूनिट वेक्टर हम लोगों का आंसर होगा। देख लो इसका यूनिट वेक्टर बेटा कितना आएगा, ओके, देखो कौन सा, माइनस फोर आई प्लस थ्री जे और प्लस के, कहां कौन सा है, और अपॉन इसका देख लो 16 प्लस 9 और प्लस 1, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बेटा इसी के यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर दो, इसका यूनिट वेक्टर ओरल निकाल सकते हो, अंडर रूट 4 का कितना हो जाएगा बच्चों 16, फटाफट निकाल लो इसका कितना हो जाएगा, ये 26, ये आ गया। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी, हमारे कुछ बच्चों ने बताया इसका जवाब, यस हिमांशु ने बताया, ओके बेटा, ओके थैंक यू बेटा अनुपम, ओके ओके ठीक है, अफसान बेटा जवाब बताया आपने, यस बी बताया अफसान ने, पीयूष आप लोग जवाब दो बच्चों, ठीक है ना, ठीक है नेक्स्ट देखा जाए, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, ये बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, 100 पैसे का, 100% का क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें जो ट्रिक बताए वो ध्यान रखना, एक पे एक फ्री देंगे इसमें, फटाफट आप लोग बच्चों करो, आप लोगों के लिए दे रहे हैं ये क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए। क्या लिखा है, इफ ए कैप एंड बी कैप आर द टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा विद अ एंगल बिटवीन देम, दो यूनिट वेक्टर्स दिए हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उनके बीच का एंगल कितना है थीटा, तो इन्होंने वैल्यू किसकी पूछी है, देन व्हाट इज cos थीटा बाई टू इक्वल टू, cos थीटा बाई टू किसके इक्वल होगा। चलो बच्चों थोड़ा समय दे रहे हैं, जवाब दो, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, हिमांशु बी, ओके ठीक है, वेल डन बेटा, ओके और बेटा जानकारी आप लोग कॉल करके जो कॉल सेंटर है उसमें कॉल जानकारी लिया करो बेटा, ठीक है ना, जो भी जानकारी है देखिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे नंबर्स होते हैं, आप वहां कॉल करके जानकारी लो बेटा, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बताओ बेटा,
सब लोग बताओ इसका जवाब। हिमांशु ने बताया, ओके वेल डन बेटा। और कोई बताया है? चलो देखते हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना यहां पे जो बता रहे हैं, अगर आपको cos थीटा बाई टू की वैल्यू पूछे तो आप इससे शुरुआत करना, a कैप प्लस b कैप मॉड स्क्वायर से। और अगर यहां साइन रहे बच्चों तो आप इससे शुरुआत करना, वेक्टर a माइनस या कैप जो भी दिया होगा क्वेश्चन में उससे शुरुआत करना बच्चे, ठीक है। किससे शुरुआत करना? a कैप और माइनस b कैप के स्क्वायर से, ठीक है। एक रिजल्ट और बता दें हमारे बच्चों को, याद रहना चाहिए, हम चाह रहे बता दें, हम चाहते हैं कि एक पे दो क्या तीन क्या चार फ्री, जितना अधिक बता पाए बच्चों। ये देखो वेक्टर a प्लस b अगर है उसका मॉड स्क्वायर है, तो हर बच्चों को याद रखना चाहिए मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू वेक्टर a डॉट b, ये होता है बच्चों। और अगर यहाँ पे माइनस हो इस जगह पे, ये भी बच्चों नोट कर लो, मैंने कहा था ना कि कॉपी और पेन लेके बैठे रहा करो, ठीक है। जो हम जानकारी दें उन्हें हमारे बच्चों को याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना चाहिए। अगर यहाँ पे ये है तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, अगर ये वेक्टर a माइनस वेक्टर b मॉड का स्क्वायर है, तो आप समझ गए ना क्या आएगा, मॉड वेक्टर a स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर b स्क्वायर और प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा बच्चों, इस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओके टू वेक्टर a डॉट b हो जाएगा, ठीक। और a डॉट b का आप लोग जानते हैं मॉड a मॉड b, अगर आप यहाँ पे जोड़ना चाहें तो टू मॉड a और मॉड b cos थीटा में जोड़ सकते हैं, ये है। चलो बच्चों अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम जिन बच्चे नहीं कर पाए थे, अनुपम ने बताया सी, ओके अभी हम और बच्चों का जवाब लेते हैं, ठीक है बच्चों, फटाफट एक्टिव बने रहो बच्चों, ओके चलो। किससे शुरुआत करनी है ध्यान दो बच्चों, ये है किससे, कहा था ना कॉस होगा तो इससे शुरुआत करना, ए कैप प्लस बी कैप स्क्वायर से। क्या बताया था बेटा, ए कैप स्क्वायर प्लस बी कैप स्क्वायर प्लस टू मॉड ए कैप, हमने कहा था मॉड में भी लिख सकते हो बी कैप और कॉस थीटा, क्योंकि ए कैप और बी कैप है क्या बेटा, यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब इनके मॉडुलस कितने होंगे, वन होंगे। तो फटाफट देख लो बच्चों, वन प्लस टू, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा कॉस थीटा, ओके देख रहे हो ना, यहां से टू कॉमन ले लो, वन प्लस कॉस थीटा, इधर से देख लो बेटा ए कैप प्लस बी कैप स्क्वायर, यहां से देखो वन कैंसिल होने वाला, फॉर्मूला लगा दो बच्चों, ए कैप प्लस बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू, जब कैंसिल वन कैंसिल होने वाला फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, ठीक है ना, तो देखो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू टू इंटू वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, वन वन कैंसिल हो गया, फोर को दो डिवाइड कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप मॉड स्क्वायर अपॉन फोर, स्क्वायर रूट ले लो बच्चे, तो मॉड ए कैप प्लस बी कैप अपॉन टू, कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर, वेल डन बेटा, अनुपम ने बताया, ओके विदास बेटा कोई भी बुक ले लो, वारिस अग्रवाल भी ठीक बुक है, ठीक है ना, आप अगर लेना चाहो आरडी शर्मा से भी कर सकते हो, आरडी शर्मा इज नॉट नेसेसरी बिकॉज बेटा उसमें बहुत लेंथी क्वेश्चन है, यदि आप सॉल्व करेंगे तो और अच्छा है, सो फार सो गुड, ओके बट वारिस अग्रवाल इज सफिशियंट बुक फॉर एनडीए, बट बेटा अगर आरडी शर्मा के क्वेश्चंस कर लेते हो तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छा है, उसमें प्रॉब्लम्स बहुत दी हैं और हर टाइप की प्रॉब्लम दी हैं, हर पेज एग्जांपल्स, तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके बेटा ठीक है। और बेटा बताओ जल्दी से क्वेश्चन से अगला आ जाए, जवाब सब लोग दो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हम उसके भी क्वेश्चन देते हैं, उसे मैंने कहा था ना कि जो मैं क्वेश्चन लूंगा आए हुए क्वेश्चन एज वेल एज मिक्स करके, जो सिक्स डेज पूरी मेरी क्लासेस होंगी मंडे टू सैटरडे, उनमें सब हम वेक्टर और थ्रीडी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक से एक सारे बुकों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये देखिए, ये क्वेश्चन बार बार कह रहे हैं कि ये आए हुए क्वेश्चन हैं, अभी हम शुरू में आए हुए क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को गेस हो, क्योंकि उन्हें तैयारी करने का थोड़ा सा मौका मिले, ठीक है बेटा चलो, तो इसलिए हम चाह रहे हैं हमारे बच्चे जाने कि क्या क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार आ चुका है बेटो,
रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है। और ध्यान रखना ये थोड़ा सा, यही बार बार कहते हैं कि बच्चों ये क्वेश्चंस में अब आया हुआ क्वेश्चन है, चूंकि इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप में आते हैं, दो और तीन क्वेश्चन के साथ आते हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा भी हो तो उससे दूसरे और तीसरे क्वेश्चन भी निकल आते हैं। तो बच्चों हमने एक पार्ट लिया है कि हमारे बच्चे उसमें सब कुछ सीख जाए, उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन अभी, अगला भी क्वेश्चन इसी से बेटा जुड़ा हुआ, देख लो डिजिट केवल चेंज है। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे वो ट्रिक सीखें, और देर नहीं लगती, जब हमारे बच्चे सीख जाएंगे हमें जरूर लग सकता है क्योंकि बच्चों को समझा रहे हो, तो बच्चे निराश नहीं होना, इसको सीखिए आप इत्मीनान से। क्या दिया है ध्यान दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। वेक्टर ए दिया है मॉड वेक्टर ए थ्री, मॉड वेक्टर बी फाइव, मॉड वेक्टर सी सेवन, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। हो सकता है कि यहाँ अगले पार्ट में ये दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन एक ही से बना देते हैं एनडीए में, आप लोग पेपर देखिएगा, तो हो सकता है एक में पूछ दें कि बी और सी के बीच का एंगल बताओ, राइट, एक में पूछ दें ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कितना होता है, जैसा कि अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से जो है, तो एक में दो तीन क्वेश्चन जोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन कर लोगे ना फर्स्ट पार्ट, तो उसके साथ सारे जवाब निकल आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए देखो इसको कैसे करेंगे, कोई जवाब देगा इसका, जानता है कोई जवाब देगा हमारा बच्चा, कोई भी स्टूडेंट हमारा, बेटा लाइक शेयर करते रहना, ठीक है ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वहां पे हर टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। ओके बेटा बताओ, कोई जानता है इसका? यस, प्रांजल ने बताया इसका आंसर बी। ओके बेटा, और जितेंद्र जाखर गुड इवनिंग बेटा। ओके वेदास जोशी, परेशान ना हो बेटा, क्लास करिए, मेहनत करिए, कोई भी बुक अच्छी अच्छी खराब नहीं होती है, जो बुक पकड़िए उसको कंप्लीट करिए, एग्जाम्पल्स देखिए, उसके ट्रिक देखिए, हर तरह के क्वेश्चन करिए उसमें, राइट बेटा। बट ये जरूर ध्यान रखना है कि जिस तरह का क्वेश्चन यहाँ आता है इसी तरह का नियरली क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको यहां से गैस लेना बेहद जरूरी है ना बेटा, ठीक। चलो देखते हैं बेटा, अनुपम थैंक यू बेटा, चलो अगला देखा जाए, ठीक है। प्रांजल जितेंद्र आप लोगों ने, प्रांजल ने ट्राई किया, वेल डन, बताया आंसर, हम लोग निकालते हैं इसकी ट्रिक। देखो बेटा क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना दिया है बच्चों, जीरो वेक्टर। इसका क्या करेंगे, पहले ए से डॉट प्रोडक्ट ले लो बच्चे, किससे ले लेना है, ए से डॉट प्रोडक्ट। तो जरा ध्यान देना, ये ओरल आप लोग कर सकते हो, जब हम बता देंगे ना सोल्यूशन, तो आप एक लाइन दो लाइन सॉर्ट कर सकते हो, ए डॉट ए आएगा पहले, इससे डॉट प्रोडक्ट करोगे ए डॉट बी आएगा बच्चों, इससे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए डॉट सी आएगा, राइट, इज इक्वल टू इधर जीरो ही आएगा। देखो ना ये क्या है, मॉड ए स्क्वायर है, मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है देख रहे हो, नाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी कितना आ गया बच्चे, माइनस नाइन, उधर ट्रांसपोज कर दिए। इसी तरह से अगले जब बी से डॉट प्रोडक्ट लोगे बच्चे तो क्या आ जाएगा, ध्यान रखना ए डॉट बी, देखो ट्रिक से इकट्ठा कर लेने, जब दूसरे से करोगे तो क्या आएगा ए डॉट सी, और जो बी डॉट बी था ना बच्चे, यहां से शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं, बी डॉट बी मतलब मॉड बी स्क्वायर 25 माइनस 25 आ जाएगा, राइट। और तीसरे से डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, सी से डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो सी डॉट ए, ए डॉट सी और सी डॉट ए एक ही होता है, और जब इसमें करोगे तो ए डॉट बी हो गया, और इधर का जब स्क्वायर करोगे मॉड सी का तो कितना हो जाएगा बच्चे, 49 माइनस में, राइट। इनको जरा जोड़ लो आप लोग, फटाफट जोड़ लो बेटा, जरा देखो ट्वाइस में आएगा, तो जब इसको जोड़ोगे तो ध्यान दो हमको क्या चाहिए, ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो ये ट्वाइस ए डॉट बी, सब ट्वाइस में है बच्चों, तो देखो यहां से ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये तीनों वैल्यू निकालना आप सीख गए, सी डॉट ए राइट इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दो जल्दी से, देखो जरा कितना होगा बच्चों, 25 और 9 हो जाएगा हमारा 34 और 49, ठीक है, देखो कितना हो जाता है 83 आएगा ना, 83 आ गया, माइनस 83, चलो यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इसका डबल इसमें से माइनस कर दो बच्चों, ठीक है, तो हमको निकालना है ए डॉट बी, तो बी डॉट सी और सी डॉट ए को माइनस कर दो, देखो ए डॉट बी और बी डॉट सी सेकेंड में था बच्चे, ए डॉट बी बी डॉट सी था ये सेकेंड में, ठीक है ना, हाँ सेकेंड में बी डॉट सी है ये, इसका डबल माइनस कर दो इसमें से, तो इसका डबल जब माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, यहां से बच जाएगा 2 ए डॉट बी, ध्यान रखना बच्चों हम इस तरह करा रहे हैं, लो यहां करा दे रहे हैं 2 ए डॉट बी
प्लस टू बी डॉट सी प्लस टू सी डॉट ए समझाने के लिए हम थोड़ा समय ले रहे हैं बच्चों के लिए 83। इसका डबल माइनस करना बच्चे ये तीसरी इक्वेशन की, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी, दूसरी इक्वेशन का डबल माइनस कर दो। और अगर मान लो बी और सी के बीच का एंगल निकालना होता तो ए डॉट बी और सी डॉट ए का डबल माइनस करते, और सी और ए के बीच का एंगल निकालना होता तो आप समझ रहे हैं कि इसको माइनस करते हैं, ए डॉट बी और बी डॉट सी को माइनस करते। ये ट्रिक सीखना हमारे बच्चों को जरूरी है, ठीक है बच्चों? तो ध्यान दो, हम किसका डबल माइनस कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन का। तो डबल जब माइनस करोगे तो टू सेकंड इक्वेशन में है क्या, ये ध्यान देते हैं। सेकंड इक्वेशन देखते हैं बच्चों क्या है। देखो फर्स्ट इक्वेशन ये थी ए डॉट बी, ए से ए में हुआ था तो यहां से हो गया था ए डॉट बी और ए डॉट सी इज इक्वल टू, हम साफ साफ लिखते हैं बच्चों को समझ में आए 25। और दूसरी इक्वेशन थी ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू माइनस 25 और ये थी 9। बच्चे और तीसरी इक्वेशन थी जब इसने किया था तो ए डॉट बी राइट सी से किया था तो ए डॉट सी प्लस ए डॉट सी प्लस ये सी स्क्वायर हो गया था और बी डॉट सी इज इक्वल टू बी है बच्चों बी डॉट सी इज इक्वल टू हो गया था 49। तो बच्चों किसको माइनस करना है, ए डॉट बी हमारे पास बचा रहे ये ध्यान देना है, हमारे पास क्या बचा रहे, ये इसका डबल हम कह रहे थे ए डॉट बी बचा रहे, तो 25 इसमें 50 माइनस कर दो तो 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए इज इक्वल टू कितना था माइनस 83। इसमें से हम कितना माइनस कर रहे हैं, इसका डबल 50 माइनस हो जाएगा यहां माइनस 50, ठीक है। इधर से कितना बचेगा 2 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इज इक्वल टू यहां से कितना बच गया बच्चों 33। इन दोनों का मल्टीप्लाई देख लो कितना है, 3 5 50 और 2 into 15 30 हो जाएगा, यहां से माइनस कर रहे थे 2 भी था इधर तो 2 ए बी इसमें कर लेंगे 2 ए डॉट बी बचेगा, इसका डबल माइनस कर लिया 83 में से तो ये कितना हो रहा था बच्चे 50 हो रहा था, 50 को माइनस कर लिया 33 तो यहाँ पे हो गया cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 33। कई डिजिट में मिस हो रहा है बच्चों, 2/3 इसका 60 माइनस हाफ आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस हाफ जो कि हम लोगों का कितना बनता है ये cos 2π/3 तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2π/3 आ जाएगी। ओके बच्चों ये आ जाएगा ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी तरह से करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है उसी तरह से बिल्कुल है, कैलकुलेशन जरा आपकी नीट करना बच्चों। वेदास यस बेटा अभी बुक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाइए, ये क्वेश्चन हमारे सारे बच्चे कर रहे हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए। ये आप लोगों को वहां से ट्रिक मिल गई कि ये आ जाएगा ए डॉट बी, आप लोग ट्रिक देखिए वहीं की, अभी जो क्वेश्चन किया था ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए जब हम लोग ऐड किए थे तो यहां 2 आया था इज इक्वल टू इन सभी के स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9 माइनस 16। जरा ऐड कर दो बच्चों देखो कितना आता है, फटाफट यहां से आ जाएगा 16 9 25 29 माइनस 29, 2 से डिवाइड कर दो, देखो वहीं से आ गया ना बच्चों, एक ट्रिक बना लिया हम लोगों ने। हम पिछला क्वेश्चन क्यों लेंथी सॉल्व किए थे कि हमारे स्टूडेंट्स को ट्रिक मिल जाए कि इस तरह के क्वेश्चन में ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इन सभी मॉडुलस के स्क्वायर को नेगेटिव में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। देखो ये तो इसका मतलब ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 29/2। करेक्ट आंसर इज डी, ट्रिक पिछले क्वेश्चन से आ गया बच्चों, इसी तरह से जोड़ा जाएगा आप लोगों को, ध्यान रखना है कैसे करना है, समझ में आ गया? ओके जल्दी से ओके करो बेटा कि हाँ कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, देखो शॉर्ट ट्रिक हो गया बेटा इसका,
प्रांजल देखो शॉर्ट ट्रिक इसका बन गया, ओके शॉर्ट ट्रिक बनाने के ऊपर है ना, अभी आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बन जाए, आप लोग उसको शॉर्ट ट्रिक फ्रेम कर ले, देखिए बन गया शॉर्ट ट्रिक। अब यहां से एंगल भी निकाल लेंगे, जैसे हमने शॉर्ट ट्रिक फ्रेम कर दिया आप एंगल भी निकाल लेंगे, ओके देखो शॉर्ट ट्रिक बन गया। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना, बस ये मॉडुलस की वैल्यू चेंज होगी पेपर में और कुछ भी चेंज नहीं होगा। एंगल बेटे यहीं से निकालना हो तो जो बी डॉट सी और सी डॉट ए हम लोगों ने निकाला था ना उसको माइनस कर देंगे। जैसे ध्यान दो बेटा, ए डॉट बी, ए और बी के बीच में अगर एंगल पूछ रहे हैं तो ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए की जो वैल्यू निकाली थी ना सिर्फ डायरेक्ट माइनस कर दो, इसका स्क्वायर ये आपको गैस हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रांजल बेटा समझ गए ना, शॉर्ट ट्रिक खुद बना सकते हो। अनुपम कुमार यस बेटा डी इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, हम देखो बेटा क्वेश्चन रखते समय ये नहीं देखते हैं कि लेंथी है या नहीं है, आया हुआ है। और एक बात और हमारे बच्चे समझ लें कि लेंथी क्वेश्चंस भी कुछ आते हैं, ठीक है ना, और थोड़ा सा समय भी लेते हैं कि उसका शॉर्ट ट्रिक भी नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक कुछ क्वेश्चंस के नहीं होते हैं, मैथ में हर क्वेश्चनों का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, ये आप लोग फैक्ट जानते हो। तो इसका मतलब आया हुआ क्वेश्चन क्या हम बड़े क्वेश्चन छोड़ देंगे अपने बच्चों के लिए? नहीं, कि परेशान हो रहा है हमारा बच्चा कोई बड़ा क्वेश्चन, नहीं, सभी हम सिंपल क्वेश्चन बताते हैं, तो बड़े क्वेश्चंस कौन बताएगा हमारे बच्चों को, फिर हमारे बच्चे कहाँ से सीखेंगे। तो बेसिक्स यहाँ से हमने कंसेप्ट बता दिया, अब तुम शॉर्ट ट्रिक बना लिया बच्चे, ठीक है ना। अब आपके गेस हो गया कि इस क्वेश्चन का थीम क्या है, यू कैन फ्रेम, ठीक है बच्चों। चलो तो बेस तो हमें बताना ही पड़ेगा। चलो प्रांजल बेटा ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो बेटे। क्वेश्चन आ गया, इसमें भी ये ऐसा क्वेश्चन है जो दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और इसके आगे क्वेश्चन दोनों का जवाब एक ही साथ आएगा और सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो ओके, सेम साथ में साथ आएगा जवाब बच्चों। अभी वो क्वेश्चन भी दिखा देंगे तब हम यहाँ सॉल्व करेंगे। दो ये क्वेश्चन जो एनडीए में आया था तो दोनों एक साथ आया है, ठीक है। तो एक जब करते हो तो दूसरे का जवाब अपने आप निकल आता है, ठीक। और सबसे बेहतरीन तरीका शॉर्ट में इसको सॉल्व करके हम बता रहे हैं ओके। देखो बच्चों चलो देखो यहां से क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो बस क्वेश्चन को पकड़ो। ए इज इक्वल टू आई प्लस जे, बी इज इक्वल टू थ्री आई प्लस फोर के, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये चीज गिवन है। हम देखो बच्चों यहां लिख लिए वेक्टर बी इज इक्वल टू, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में भी देखना, तुम लोग देखना, और दोनों एक साथ जवाब आ जाएगा, ठीक है। सी प्लस डी, अब बात यह है कि हमको इसकी जानकारी नहीं देंगे तो तुम लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक में मजा कहाँ आएगा, तो हमको इसमें जो जानकारी इन्वॉल्व होती है वो बताना पड़ेगा। देखो अब देखो क्या लिखा है, वेयर सी इज, ध्यान तो बता, वेयर सी इज पैरेलल टू ए, इसमें दिया हुआ सी इज पैरेलल टू ए। तुम लोग बेटे जानते हो कि जब एक वेक्टर दूसरे का पैरेलल होता है तो हम लैम्डा टाइम्स चाहे के टाइम्स चाहे स्केलर टाइम्स लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इस जगह देखो सी पैरेलल है ए के, तो हमने लैम्डा ए लिख लिया, क्यों लिख लिया समझ गए, ये जानकारी हमारे बच्चों को होनी चाहिए कि एक वेक्टर के पैरेलल दूसरा वेक्टर निकालना हो तो लैम्डा लगा दो, के टाइम्स लगा दो, लैम्डा लगा दो, ठीक। और प्लस डी, अभी देखना बच्चे यहीं से आ जाएगा, पहले तो हम दूसरा क्वेश्चन दिखा दे तुम लोगों को उसी से जुड़ा हुआ, ये है बच्चों सेम क्वेश्चन है, यहां पे सिर्फ कहा है कि ये दोनों सही हैं या गलत है, ठीक है। डी दे दिया है, एक नया डी दिया है, वही सेम ऊपर का सारा वही है बच्चों, डी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दे दिया और कहा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत है, यहां से चूज करना है। तो देखो हम वही सॉल्व कर देंगे तो जवाब मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो इस क्वेश्चन को, यहां आ जाते, ये हो गया बी। अब बेटे क्या करो, इसमें साफ साफ देखो आगे और दिया है, एंड डी इज परपेंडिकुलर टू ए, तुम लोग जानते हो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, ठीक है। इसका फायदा हम लोग उठाएंगे, ए से दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, ए का डॉट प्रोडक्ट बी से, और यहां भी जब करोगे ना तो लैम्डा मॉड ए स्क्वायर हो गया ना बेटा, किसी वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट, और प्लस यहां कितना हो गया ए डॉट डी, ये जीरो हो जाएगा, क्यों, ए और डी क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां से देखो काम खत्म, अब ए और बी का देखो डॉट प्रोडक्ट तुम ओरल निकाल सकते हो, वन इंटू थ्री देख रहे हो ना, बस जे है इधर, जे नहीं है जीरो हो जाएगा, इधर के नहीं है इधर के है तो जीरो हो जाएगा, समझ गए ना। आई का कोफिशिएंट आई के साथ, जे का जे के साथ, ये ध्यान रखना, यहाँ गलती हो जाती है स्टूडेंट से,
इधर थ्री आ गया और ए का स्क्वायर देखो बच्चों, यहां से देखो स्क्वायर, इसका जो मॉड ए है बच्चे वो देखो कितना आया, रूट टू, और इसका स्क्वायर है यहाँ देख रहे ना, वन प्लस वन, तो यहां से देख लो लेमडा इंटू टू आ गया, ये जीरो हो गया बच्चे, तो लेमडा की वैल्यू कितना आ गई, थ्री बाई टू हो गया क्वेश्चन बच्चे। इतने में ही क्या पूछा है, वेक्टर सी किसके बराबर है, और वेक्टर सी देखो बेटा हमने कितना लिया है, लेमडा ए, therefore वेक्टर सी इज इक्वल टू हमने लिया है लेमडा ए, और लेमडा की वैल्यू कितनी है बच्चों, थ्री बाई टू, और ए कितना है, आई प्लस जे, कर लिया कि नहीं क्वेश्चन बच्चे, आई प्लस जे निकल आया, इसमें ऑप्शन देखो कौन सा होगा, सॉरी बी नहीं है, ए, थ्री इंटू आई प्लस जे, ओके थ्री बाई टू, ये वाला नहीं है ठीक है, ये ऑप्शन आया था हम लोगों को ठीक है, लैम्डा की वैल्यू और वेक्टर ए रख दो, आ गया, मजा आया क्वेश्चन में नहीं बच्चों, ठीक है प्रांजल, अनुपम प्रांजल, ओके ठीक है बच्चे, जवाब दो फटाफट बच्चों तुम लोग कि हाँ क्वेश्चन अच्छा लगा ठीक है ना। अब यहीं से देखो हम लोगों का आ जाएगा जो अगला है ना, इसमें डी की वैल्यू अब दे दिया है, यहीं से देखो आ जाएगा हम लोगों का, क्या पूछा है, डी दिया हो ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं से, इसका वहां पे देख लेना थी, ये देखो क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया ये दिया हुआ है, डी की जगह दे दिया है, ध्यान देना बच्चों हम लोगों को क्या दे दिया है, ये दिया था हमने क्योंकि क्वेश्चन यहां ले लिया था अपने बच्चों के लिए कि दिक्कत ना हो, वेक्टर बी ठीक है ना, देखो ये वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना दिया है, सी प्लस डी ठीक, बी की वैल्यू कितना है बच्चों जरा देख लो, थ्री आई, पहले इसी को इधर ले, सी की वैल्यू भी हम लोगों के पास आ गई है, थ्री आई प्लस फोर के देख रहे हो ना, माइनस सी, सी की वैल्यू अभी हम लोग निकाला बच्चे, थ्री बाई टू आई प्लस जे इज इक्वल टू डी, और यहां पे हम लोगों का दिया है डी की जगह क्या लिखना है बच्चों, एक्स आई, बस वही लिख दो तुरंत जवाब आ जाएगा, ज्यादा एक दो लाइन खर्च होगी, देखो यहाँ क्या था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जे, क्यों समझ में आ गया ना, इस डी की जगह सी तो हम लोग इधर लाए, जरा माइनस करो जरा, थ्री बाई टू आई ठीक है ना, और फोर में से थ्री बाई टू माइनस करो तो कितना आ जाएगा, एट माइनस थ्री फाइव बाई थ्री के जे, देखो यहां से जे नहीं है तो जे भी होगा, माइनस कर दो बच्चों फटाफट माइनस करो, इसमें फोर के में से इधर के नहीं है ध्यान रखना, और माइनस थ्री बाई टू जे और प्लस फोर के, इधर से जरा तुलना करो बच्चों, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जेड की वैल्यू कितनी आ रही है देखो फोर, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि जेड की वैल्यू वहां थ्री बाई टू आ रही है, समझे प्रांजल, क्लियर हुआ बच्चे, आप लोग देख लो कि यहां से z की वैल्यू कितनी आ रही है 4, यहां से z की वैल्यू क्या 4 आ रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, नॉट करेक्ट, यहां देखो बच्चों x की वैल्यू 3 बाई टू है, y की वैल्यू देख रहे हो ना 3 बाई टू है, माइनस 3 बाई टू, तो क्या y में से x को माइनस करोगे तो 4 आएगा, यहीं से देख लो नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी क्या है, इनकरेक्ट है, बच्चों देख लो यहां से x की वैल्यू कितनी है 3 बाई टू, वाई की वैल्यू कितनी है माइनस 3 बाई टू, वाई में से x को माइनस करोगे तो क्या 4 आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन छाटो, ओनली वन नहीं होगा क्योंकि ओनली टू भी करेक्ट नहीं है, ना तो एक सही है और ना ही, देखो बच्चों एक और दो तो कोई नाइदर वन नॉट टू, ना तो पहला सही है ना दूसरा, इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी वाला, क्या प्रांजल बेटे अच्छा लगा क्वेश्चन, सब लोग जवाब दो बेटा, जिनको भी ये क्वेश्चन अच्छा लगा वो बताएं, समझ में आ गया किसी, कोई प्रॉब्लम बच्चों बताओ, दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं, प्रांजल बेटे पंकज क्या बेटा समझ में आ गया, ए नहीं होगा बेटे, मैंने समझा दिया क्वेश्चन, देखो सॉल्व कर दिया, सी की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी ना, उसमें बी की तरफ ले आके माइनस कर दिया, एक्स वाई देखो तुलना कर दिया, तो जेड की वैल्यू भी आ गई, एक्स की भी आ गई, वाई की भी आ गई, इस तरह से हम लोगों ने ऑप्शन चेक कर लिया बेटे, अब बताओ इसमें क्वेश्चन ठीक है ना, सबको समझ में आ गया, जल्दी ओके करो बेटा,
प्रांजल बेटा, अनुपम, सब लोग बताओ, अफसान, जितेंद्र, जल्दी बताओ, आगे बढ़ा जाए फिर। इज इट ओके? ओके डीज पंकज कुमार, यस बेटा समझ में आ गया सबको, ना ए सही है ना बी है। ओके बेटा पंकज, ठीक है। प्रांजल, ओके ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े। आप सवाल समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था ना बेटा, वेल बहुत अच्छा रेटिंग इसकी दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि अकेले एक क्वेश्चन आता है, दोनों एक साथ आते हैं, तो एक कर लोगे तो दोनों मिला के समय कम माना जाएगा इसमें, ठीक है। और चूंकि हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, आप लोग बेटा जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको पता रहेगा, तो हम समझाने के पर्पज से करते हैं, इसलिए थोड़ा हो सकता है। ये देखो बेटा बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है, इसका जवाब कोई बताएगा? एक दो लाइन का है क्वेश्चन बेटा, जल्दी से जवाब दो सब लोग, बच्चों जवाब दो जल्दी से। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ इन द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज एबी दिया हुआ है। देखना ध्यान देना बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, हो गया। देखो ये हाइपोटेन्यूज का नाम लिख दो बेटे, ए बी सी, ये परपेंडिकुलर होगा ना, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। अब शान बेटा ये समझ में आ गया, देखो यही तो होगा ना, देख लिया ना। ओके ठीक है, बता देंगे बेस बेटा, परेशान ना हो, ठीक है ना। अभी वेक्टर चलती रहेगी, बीच बीच में जो बेस होता है मैं बताता हूँ। आज देखो मैंने डॉट प्रोडक्ट बताया, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, मॉडुलस निकालना सिखाया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी सीख जाओगे, जरा ध्यान दो बेटा क्या लिखा है। एक चीज यहां ध्यान दो कि ये परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर कौन सा हुआ जरा देखो, बी सी, ये सी ए और ये ए बी, तो जरा देखना सी ए और सी बी आपस में परपेंडिकुलर, तो ये तो वैल्यू हो गई जीरो, देख लो फिगर बना लिया, बस क्वेश्चन हो जाएगा एक लाइन में। देखो मजेदार क्वेश्चन, ए बी डॉट ए सी, अभी कोई जवाब देना चाहे तो जवाब दे, मैं अभी जवाब ले रहा हूं, बी सी डॉट बी ए, हिंट मैंने केवल दिया है, फिगर बनाया है, कोई बच्चे जवाब देना चाहे जवाब दे, मैं अभी जवाब ले रहा हूं, सी बी। क्वेश्चन में दिया है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, प्रांजल बेटे ने ए बताया, ओके ठीक है, अभी हम बता रहे हैं आंसर को, ठीक है, आंसर का पिटारा भी खोलेंगे सॉल्व करके, ठीक है। कुमार दिवाकर, यस बेटा बता देंगे, आप चिंता ना करो, बीच में जो भी बेस आएगा मैं बताता रहूंगा, चिंता नहीं करना, क्लास कंटिन्यू आप ज्वाइन करते रहो। देखो मैंने आज भी बताया, और जब भी होगा जो भी बेस आएगा वो मैं बताऊंगा, जो भी बेस इसमें जानकारी होगी जो काम आएगी, ठीक है ना बच्चे। तो देखो यहां से अभी कहा था ना कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, यही देखो बेस ही है बेटा, तब सी ए फिगर में देखो और सी बी दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो जो रिजल्ट हमको बताना है ये तो हो गया जीरो। अब जरा इन दोनों में देखो बेटा, एक बात और बेस ये है कि अगर कहीं ए बी लिखा है तो उसको हम माइनस बी ए लिख सकते हैं, राइट, और अगर बी ए लिखा है मतलब डायरेक्शन चेंज करने पर माइनस हो जाता है, राइट बेटे, ये हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, ये ए बी और डॉट ए सी लिखा हुआ है, इन दो इसको लिख दिया हमने माइनस में सी बी, और इसको माइनस ए बी, तो दोनों माइनस मिलके हो गया प्लस, तो ये लिख लिया सी बी और ये लिख लिया ए बी, इनटू में है बेटो, ये लिख लिया हमने ए बी, ओके चलो देखो सी बी और इसको क्या लिख लिया बेटा डॉट में, डॉट ए बी, इन दोनों में कुछ कॉमन है बच्चों, जरा देखो कॉमन है, ए बी कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा ए सी और प्लस यहां से बेटा देखो सी बी, जरा फिगर देखो, ए सी प्लस सी बी क्या होता है, ए बी, यहाँ डॉट है, तो ए बी का डॉट प्रोडक्ट ए बी के साथ क्या हो गया बेटा, मॉड ए बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देखो यहां से मॉड ए बी का मतलब इसकी लंबाई जो कि क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, पी, तो बेटा ये कितना जवाब आ गया, पी स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन दो बार एनडीए में आ चुका है बच्चों, अब इतना समझ लो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, और देख लो कुछ नहीं है दम इसमें, इन्होंने साफ साफ कहा है ए बी हाइपोटेन्यूज है, मतलब सी बी और सी ए तो हो गया परपेंडिकुलर, जीरो हो गया, और इन दोनों का देखो ए सी और सी बी बनाने के लिए हमने माइनस यहां से कॉमन ले लिया, माइनस यहां से ले लिया मतलब माइनस कर दिया, उल्टा कर लिया, ये सी बी हो गया, बी ए हो गया, सॉल्व हो गया, तो इसका जवाब कितना हो गया बेटा प्रांजल, अब समझ में आया, इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, सी इज द राइट आंसर। ओके
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लगभग हर साल पूछा जाता है मोमेंट निकालना बेटा। और इसका एक ट्रिक जो पॉइंट मैं बताऊं उसे सब लोग याद रखना, राइट बच्चों, जो मैं इसमें पॉइंट बताऊं उसको सब लोग ध्यान रखना जरूर, ठीक है। हर साल क्वेश्चन ये आता है, तुम लोग जानते हो मोमेंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है आर क्रॉस एफ, फोर्स का आर से मल्टीप्लाई करते हैं। आर कैसे निकाला है? देखो बेटा एफ तो यहां दिया है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। आर देखना, ये फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट करे, ठीक है ना, ये पॉइंट आईजेके में भी दिया हो सकता है बिना उसके, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगे उसमें से इस पॉइंट को माइनस कर देना, चाहे आईजेके रूप में हो और चाहे पॉइंट के रूप में हो। किसमें से माइनस करना? जिस पॉइंट पे फोर्स लगे। तो वन में से टू माइनस करो बच्चों, माइनस वन। इसका मतलब यहां जो वेक्टर आर होगा, माइनस वन का मतलब माइनस आई का, क्या कहा, जिस पॉइंट पे फोर्स लगे, अबाउट दिया उसे नहीं माइनस करते हैं, जिस पॉइंट पे फोर्स लगे उसमें से इसको माइनस कर दो। वास्तव में ये जानते हो क्या है, आई माइनस जे प्लस टू के है, और ये पॉइंट क्या बेटे, टू आई माइनस जे प्लस थ्री के है। तो इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा था तो इसमें से इसको माइनस करना, तो आई में से टू आई करोगे माइनस आई, माइनस जे में ये घटाओगे माइनस माइनस कट जाएगा जीरो जे, राइट बेटे। और यहां से देखो टू के में से घटाओगे माइनस के, तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ समझ रहे हो बेटे ना, आई जे के, और ये देख रहे हो ना पहले क्या लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना आर क्रॉस एफ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आगे पीछे कर दोगे तो माइनस हो जाता है, इसलिए आर पहले एफ बाद में। आर का देखो क्या है, माइनस वन जीरो माइनस वन, और एफ का देखो बेटा क्या है, थ्री टू और माइनस फोर। जल्दी से डिटर्मिनेंट खोल लो, तुम्हारा फोर्स आ जाएगा, देख रहे हो ना, जीरो प्लस टू, यहां से देखो माइनस जे, माइनस वन फोर फोर, और यहां से प्लस थ्री, और के में देखो बच्चों एक दो लाइन में हो जाएगा, डिटर्मिनेंट थोड़ा अच्छी तरह से आना चाहिए, के साथ करोगे तो माइनस टू माइनस जीरो, क्या आया देख रहे हो ना, टू आई, ढूंढो अपने ऑप्शन को, टू आई, ठीक है, टू आई किसमें किसमें, इन तीनों में, और माइनस के साथ सेवन जे, राइट, सेवन जे के साथ नजर आ रहा है सी, तो जो मोमेंट निकलेगा, देख रहे हो ना क्या जब आ रहा है बेटा, देख लो यहां से हम लोगों का राइट आंसर आ रहा है, यहां से टू आई माइनस सेवन जी और माइनस टू के, तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटा, ठीक है प्रांजल, वेल डन बेटा, आपने जवाब दिया वेक्टर ए बी। ओके ठीक है प्रांजल, पहले गलत हो गया था क्या मेरे साथ, दूसरा ऑप्शन, ठीक है बेटा, ओके वेल डन। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, सब लोग ट्राई करो वेक्टर को, थोड़ा सा आप लोग देख लेना, अभी क्लास चलेगी वेक्टर की, तो सब लोग थोड़ा उसका बेसिक देख लेना बच्चे, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन एक तो आए हुए भी, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहे जिस बुक का हो, आरडी का हो, आरएस का हो, या जितनी भी चलती है, हम अच्छे क्वेश्चन चूज करके रखते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और एनडीए के पैरेलल की हमारे बच्चों को एनडीए में जरूर मिले, ठीक है ना। प्रयास करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ, ए बी सी डी इज अ पैरेलोग्राम, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, पैरेलोग्राम की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है बच्चों। ओके क्या लिखा है, ए बी सी डी इज अ पैरेलोग्राम, कोई बच्चा जवाब देगा इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बेटा, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो अगर किसी पॉइंट्स के कह लो कि पोजीशन वेक्टर हो, तो इसका मिड पॉइंट ये होता है बेटा, हाफ मिड पॉइंट का, हाफ ए प्लस बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, बस इसी पे क्वेश्चन हो जाएगा। पैरेललोग्राम देखो बच्चों, ये पैरेललोग्राम है, राइट, ठीक है ना, सो इजी, बड़ा आसान है बेटा, प्रांजल जवाब दोगे, हाँ बेटा इसी टाइम पर होगा क्लास, पर डे 7 to 8 PM पे। देखो बेटे ये जो डायगोनल्स है दोनों, वो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए तो कितना जल्दी आ जाएगा, बस प्रॉपर्टी लगा दे,
ये ओ है। तुम लोगों को बस ज्योमेट्री जो 9th 10th में पढ़े थे ना कि पैरेलोग्राम से डायगोनल्स मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समार्धित समद्विभाजित करते हैं अगर हिंदी में बोलो तो, दे बाइसेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जरा देखो, जो ये है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को उन्होंने क्या कहा है, ओ कहा है। तो जरा देखो बच्चों, ओ ए और ओ सी ध्यान दो यहां पे, और ये जो दिया हुआ है देख लो ओपी के टर्म में, ये पॉइंट इन्होंने लिया है, पी पॉइंट लिया बच्चों, ए बी सी डी बी ए पैरेलोग्राम हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पी, ये पॉइंट ओ नहीं दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है बच्चों, पी दिया हुआ है, राइट, क्वेश्चन में ये पी दिया हुआ है, ठीक है। देन ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, राइट, एंड ओ इज ओरिजिन, कोई ओरिजिन है बेटा, पोजिशन वेक्टर। तो ध्यान रखना जरा, अभी बता दूं, ये तो एबीसी में बताया था, फिर हम बता रहे हैं अपने बच्चों के लिए, थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं। मान लो बेटे ए की पोजीशन वेक्टर, ये दो पॉइंट हैं ए और बी, इसकी पोजीशन वेक्टर ओ ए है और इसका पोजीशन वेक्टर ओ बी है, राइट बेटे, और इसके मिड पॉइंट अगर पी है तो मिड पॉइंट ओपी का होता है हाफ ओ ए प्लस ओ बी, ये ध्यान रखना। तो ओ ए और ओ बी का इसमें देखो, ये पी जो है ए और सी का मिड पॉइंट है, हम लिख के बता रहे हैं, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट है, देयरफॉर जरा बच्चे देखो, ओ पी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ओ ए प्लस ओ सी। यहां से बेटे जरा देख लो, ओ ए प्लस ओ सी होगा कितना, टू ओ पी वन, ऐसे दूसरा रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, बी और डी भी है ना, तो बी और डी भी मिड पॉइंट है, तो ओ पी इज इक्वल टू टू ओ पी हो जाएगा, अब बी और डी है ना तो ओ बी प्लस ओ डी हो जाएगा। इसी तरह से पी मिड पॉइंट ए सी का भी है और पी मिड पॉइंट बी डी का भी है, तो दूसरा रिजल्ट ऐसे आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो तो 4AP आ रहा है ना बेटे, समझ में आ गया सब लोगों को, इनके मिड पॉइंट का जो आया है बच्चों उसे ऐड कर दो, इन रिजल्ट्स को जल्दी से ऐड करो, देखो आ गया कि नहीं आ गया। ओके, तो जब हम इसको, इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को, ये मान लो वन है ये टू है, जरा ऐड करके देख लो, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 4OP, राइट, समझ में आ गया ना, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो ये है ना पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो बीडी को भी बाइसेक्ट करेगा, मिड पॉइंट रहेगा, और ओसी का भी, इसलिए दोनों से रिजल्ट आ गया। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को, प्रांजल, ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम क्लास को यहीं ओवर कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, सब लोग लाइक करो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो बच्चों, और कल फिर हम इसके आगे वेक्टर के, अभी हमारे पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हुए सारे क्वेश्चन, मैंने एक बात बताई बेटा कि आया हुआ क्वेश्चन हो चाहे लेंथी हो चाहे शॉर्ट हो, या नहीं कि हम लेंथी क्वेश्चन छोड़ दें, हमारे बच्चे नहीं बेटा, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे क्लास में इत्मीनान से केवल समझो, हम आए हुए हर एक क्वेश्चन बताएंगे चाहे वो लेंथी हो, तो भी हम कह देंगे बच्चों हर तरह का क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन लेंथी भी आते हैं, ट्रिक होती है तो जरूर हम ट्रिक बताते हैं, फंडामेंटल देखो मिड पॉइंट आया जो भी आया वो मैं बताऊंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है, केवल इत्मीनान से क्लास को देखो, आप लोग सीखो। तो आज हम इतना ही रख रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट टर्म पे अच्छे क्वेश्चनों के साथ फिर आते हैं, टिल देन बाय एंड जय हिंद बेटा, ओके।